नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। हमारे बीच मौजूद हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल नोएडा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी क्षेत्रवासियों का नोएडा विधानसभा के क्षेत्र में और जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने मुझे इस स्तर का माना और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उसी तरीके से करूंगा जैसी उनको मुझसे अपेक्षा है। नोएडा व्यापार मंडल का, राष्ट्रीय व्यापार मंडल का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम यहाँ पे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले हम उस मुद्दे की तरफ जाएंगे जो कि काफी हाईलाइट हो रखा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जो कि सुर्खियों में, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनना शुरू हो ही गया है और गृह मंत्री हिंदुस्तान के अमित शाह जी का यह बयान आया कि 2024 जनवरी में गगनचुंबी इमारत अयोध्या में स्थापित हो जाएगी श्री राम मंदिर की, तो उनके इस वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं और सनातनी होने के नाते मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि श्री राम हमारे पुरखे रहे, हम उनके वंशज हैं। उस तरीके से जिस वो काफ़ी वर्षों तक टाट के मंदिर में एक, जो मुझे कहने में भी शोभा नहीं दे रहा, उनकी मूर्ति वहाँ पर पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में रही, एक गगनचुंबी इमारत खड़ी हो जाएगी श्री राम भगवान की, इससे ऊपर गर्व का दिन हिंदुस्तान के लिए हो नहीं सकता। अब इस उनके वक्तत्व पर जो अलग अलग तरीके की विरोधाभास बयान आ रहे हैं उनके मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको बुद्धि को थोड़ा सा ठीक करें। जी जैसे आपने बताया कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि 2024 तक राम मंदिर एक गगनचुंबी इमारत के तौर पे सबको उपहार के स्वरूप मिलने वाला है और साथ ही जो आपने बताया कि पहले किस तरीके से राम जी की मूर्ति को रखा गया था जो कि काफ़ी बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग इतने अच्छे मकान आलीशान घर में रहते हैं और उनकी जो कि हमारे पालनहार कहा जाता है उनके मूर्ति को बड़े ही कम जगह पे या यूं कहे कि लकड़ियों के बने हुए एक झोपड़ी में रखा गया था। सर अभी बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट एक मुद्दा है वो है जोशीमठ का मुद्दा, जहाँ के मंदिरों में दरार आ रखे और देखा होगा कि आपने बिल्डिंगें जो कि काफ़ी दूर तक थी जिनके बीच में 1 से 2 फीट की गैप थे वो भी अब ऐसे हो चुके हैं कि उसमें से एक पतला सा इंसान भी बाहर नहीं जा सकता, तो इसके बारे में आप बताएं। देखिए, हमको पहले ही समझ लेना चाहिए था कि अगर हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे तो प्रकृति भी हमको उसका जो भी स्वरूप है वो दिखलाई देती है। समय समय पर हमने ये देखा है, अब जितने भी पर्वत हैं उनके साथ कितना अत्याचार कर रहा है आज का इंसान, किस तरीके से उनकी जो भौगोलिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं ये रूप दिखाई देता है। और जोशीमठ तो इतनी पवित्र जगह रही है भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की भी, अनादिकाल से वो बड़ा सिद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब सरकार ने चिन्हित मकानों को कर दिया है रेड रेड क्रॉस लगाकर, वहाँ पर भी इस दरारें आ सकती हैं। तो पहले तो निवेदन यही है, सरकार का जो दायित्व है उसको निर्वहन करे और जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जो जनता है, उसको उनके प्रति सचेत होना चाहिए जिससे कोई गलत चीज़ वहाँ पर ना हो और किसी के जान माल का खतरा ना हो। अब ये हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से व्यक्ति को प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति अपना बदला ले लेती है, विध्वंस कर देती है और जल थल नभ जो भी हो इंसान बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। और जोशीमठ तो हमारी पवित्र जगह रही है, जिस तरीके से केदारनाथ में काफ़ी वर्ष पहले हुआ था वही रूप हमें इतना बुरा प्रकृति का देखने को मिला है, जिसका काफ़ी लोगों को इसका वो भी देखना पड़ रहा है, जिससे मैं अभी अपेक्षा ही करूँगा कि सरकार इसका अनुपालन करे और व्यक्ति वहां पर सतर्क रहे। जी बात की जा रही है दरारों की और प्रशासन भी अब सतर्क दिखाई दे रही है, जिन्हें देखने को आप अगर कभी भी देखें अब हर जगह चैनलों पे या खबरों में या लोगों की जुबान पे ये है कि वहां पे दरारें आ गए। क्या दरारें एकदम से आई थी? पहले जब थोड़ी बहुत ही क्षति हुई थी तो प्रशासन सो रहा था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन भी उतना ध्यान देता नहीं है, उनके कान पर जूनी रंगती जब तक कोई ना कोई इस तरीके की वारदात ना हो जाए, बड़े हादसे जब तक ना हो जी जाए। जी, और लोग तो लापरवाह हैं, लोगों को तो ध्यान रहता ही नहीं है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी भी कोई कितना बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, जिस तरीके से अब सरकार जागी है, चिन्हित किया है,
धामी जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है और मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ को गंभीरता से लेकर लोगों की जान माल को बचाएंगे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो ऐसा करेंगे। जी जी, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, उन्होंने कई जगह कवर कर लिया है, तो अब उनकी जो रैली है वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, रैली तो उनका समापन कश्मीर में हो ही जाएगा, बिहार से निकलती हुई इधर से, लेकिन जिस तरीके के वक्तव्य तो राहुल गांधी दे रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि या तो बहुत बड़े फिलोसफर बन गए हैं, दार्शनिक हो गए हैं बहुत बड़े। ऐसे वक्तव्य तो या तो दार्शनिक दे सकता है या एक पागल आदमी दे सकता है, जिस तरीके के विरोधाभासी बयान उनके बार बार आ रहे हैं। कांग्रेस के में बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनके आसपास भी रहते हैं, तो मेरा निवेदन यही है उन बुद्धिजीवी लोगों से कि कांग्रेस के इस महान नेता को जो स्थापित आपने किया है, इनको जरा समझाएं किस तरीके के बयान। एक कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, एक दशक से एक सैकड़ा मार दिया, उससे ऊपर हो गया, जैसी भी है आधी अधूरी, लेकिन उसके एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके के वक्तव्य तो नहीं देना चाहिए। हमको नहीं लग रहा वो दार्शनिक हो गए हैं, दूसरी कैटेगरी का वर्ड मैंने बोला, कहीं वो इस स्थिति में ना पहुँचें। मेरे बयान को, मेरी बात को अनर्गल नहीं लिया जाए, अन्यथा नहीं लिया जाए। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो जिस तरीके की यात्रा कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, जो उनका रूप दिया था पप्पू का, पूर्व नवजोत सिद्धू ने, जो इस समय कांग्रेस में ही थे, उनको छवि से वो ऊपर आए हैं, लेकिन उस छवि को बरकरार रखें, उनकी मेहनत को कांग्रेस के नेता भी बेकार कर रहे हैं और वो खुद भी कर रहे हैं। जी, इनकी रैली को आने वाले चुनाव पे किस तरीके से देखा जाए, क्या इनकी रैली आने वाले चुनाव पे और जो पार्टियां उन पे असर दिखा पाएगी कुछ? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर दिखा पाएगी, क्योंकि इस तरीके की ये यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, भाई कांग्रेस एक तरीके से मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी है, उसमें वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमाल कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, और एक बार फिर से आपको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई हैं और साथ ही जिस तरीके से आपने सभी बातों पे टिप्पणियां रखी है अपने, उसी तरीके से आप आने वाले समय में भी लोगों की मुसीबतों को या लोगों की जो भी परेशानी है उसे जल्द